आज हम लोग आयरिश कोलोबोमा के बारे में जानेंगे। अगर आप देखते हैं कि ये आपकी आंख है सामने से, ये सामने से आंख है हमारी, नॉर्मल जो आंख होती है। थोड़ा सा ड्राइंग में मिस्टेक हो जा रहा है मेरा। ये हमारा आंख का काला वाला हिस्सा, इसके बीच में एक छोटी सी छेद होती है जिससे हमें दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन जब ये आंख बनती है तो इसके बनने की प्रक्रिया कैसी होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसी प्रक्रिया की गलती के कारण आपको आयरिश कोलोबोमा हो सकता है। कोलोबोमा आंख के अंदर भी होता है, अंदर के मैकेनिज्म, अंदर के स्ट्रक्चर में भी कोलोबोमा पाया जाता है, पर आज हम बात करेंगे आयरिश कोलोबोमा की। तो ये जो आंख जो डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या होता है, ये ऐसे करके बनना चालू होता है, एंड में आकर यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल इस पंखे के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। समझ लीजिए ये आंख है और ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है, तो ये ऐसे डेवलप होना चालू होता है। ये ऐसे आके नीचे जुड़ता है, ये जो पोर्शन है ये नीचे आके जुड़ता है लास्ट में। ये मोटा मोटी 6 वीक हमारा जब जन्म होने से पहले, जब हमारी माँ गर्भवती अवस्था में होती है, तो 6वें वीक में जाकर ये ज्वाइनिंग होती है। कोई कारण से अगर ये ज्वाइन नहीं हुआ और ऐसे जगह खाली रह गई, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये जो सर्कल था ये सर्कल नहीं बना, जब ये यहां से आएगा, यहां से स्टार्ट करेगा, यहां पे आके एंड में मिलेगा, तब ये सर्कल होगा, ठीक। अगर मान लीजिए ये सर्कल नहीं बना, डेवलपमेंटल प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है, तो ये पूरी आयरिश, ये जो पूरी आयरिश है ये यहां से डेवलप होनी चालू हुई। ये जैसे मैंने आपको बताया पंखे की तरह, ये पूरा ऐसे चल रहा है। अब ये चलते 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 मान लीजिए यहां आके नहीं जुड़ा, तो ये हिस्सा कैसा रह जाएगा, ऐसा। समझ पा रहे होंगे आप, ये ऐसे थे, ये डेवलपमेंटल प्रोसेस में यहीं आके रुक गई, तो ये नीचे हिस्सा जुड़ा नहीं। इसको बोलेंगे आयरिश कोलोबोमा। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, जब हमारी आंखें सामने से देखती है कि ज्यादा रोशनी आती है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में कम रूम लाइट में अगर हमारी पुतली ऐसी है, तो अगर हम ब्राइट लाइट में जैसे ही पहुंचते हैं तो ये पुतली सुकड़ जाती है, ये छोटी हो जाती है, इतनी बड़ी नहीं रहती, ताकि लाइट आंख में कम जाए और हम चीजों को ठीक देख पाए। अब जब कहीं रोशनी अगर कम है और हमको चीजों को क्लियर देखना है, तो ये पुतली फैल जाती है, ऐसे फैल जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है। तो लाइट का, ये लाइट जो हमारी आंख में इंटर कर रही है, इसको कंट्रोल ये आयरिश करती है, मतलब ये छेद। अब ये पेशेंट के केस में जिनको कोलोबोमा हो गई है, ये छेद लेकिन अब सिकुड़ बंद हो पाता है सिर्फ इतने से हिस्सों में, इस हिस्से में तो ये पूरा है नहीं, तो ये पूरा कॉन्ट्रेक्शन करके ऐसा छोटा या ऐसा बड़ा नहीं हो सकता। तो ये पेशेंट की एक कंप्लेन तो रहती है कि इनको लाइट हमेशा ज्यादा ज्यादा ही आता है, ब्राइट लाइट में इनको दिक्कत आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, यहां से जो इमेज, यहां से जो लाइट जो जाएगी आंख के अंदर, जो हमारे बाद में पर्दे पर पड़ेगी, हमें क्लियर दिखाई देगा, इसके केस में भी प्रॉब्लम क्या आती है कि यहाँ अगर ये सेंट्रली ठीक ठाक पोजिशन पे है, तो यहां से जो ये अगर हमारी नॉर्मल आंख है, ये हमारा सेंट्रल प्यूपिल, ये जो प्यूपिल है ना, ये जो छेद वो ये है, ये हमारा लेंस और ये रेटिना, इसका मैक्यूला, तो यहां से जो लाइट जाती है वो सीधा यहां जाकर पड़ती है। अब अगर मान लीजिए ये छेद पूरी ऐसे सेंटर से नहीं है, ये इधर कहीं ऐसे, तो जो सेंटर से जो लाइट पास होनी चाहिए वो नहीं पास हो पाती है, तो ये पेशेंट को देखने में भी दिक्कत आ सकती है, इनका विजन हो सकता है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज रहे। अब जो मैंने आगे के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ये जो मैंने बताया कि ऐसे पंखे की तरह ये डेवलप होता है, ये प्रोसेस पूरी आंख के लिए एप्लीकेबल है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर पीछे का रेटिना वाला जो पर्दा है इसमें भी ये जगह डेवलप नहीं हुई हो, तो ये जो खुला हुआ हिस्सा है, इसी खुले हुए हिस्से से लाइट अंदर जाएगी, तो ये जो डेवलप्ड हिस्सा है यहां नहीं भी जा सकती है, तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल में आ गया, समझ रहे हैं। तो जो बाहर से जो रोशनी जा रही है इस आंख के अंदर, ये पास होके इस जगह पहुंच रही है जहां पर पर्दा है नहीं, तो क्या विजन आएगा आपको क्लियर? नहीं आएगा। तो कोलोबोमा के केस में ऐसा भी संभव है कि पेशेंट के विजन नहीं के बराबर हो ही ना, लेकिन कई केसेस में ये अगर छेद जो है थोड़ी बड़ी है
तो पॉसिबिलिटी है अगर पीछे का पर्दा का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो कि भी कुछ अगर डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट हमारे नॉर्मल रेटिना पे पड़ेगी तो हम उस चीज को क्लियर देख पाएंगे। कि मैंने कोलोबोमा पे आपसे इसलिए बात की कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कोलोबोमा है, तो ये पेशेंट लो विजन के पेशेंट भी होते हैं और कई बार ये पेशेंट आर्टिफिशियल आई के भी पेशेंट होते हैं। तो आज हम एक ऐसा केस आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें फैमिली में ब्रदर और सिस्टर दोनों को आयरिश कोलोबोमा है। अब इसमें दो तरीके के फाइंडिंग्स हुए हैं, दोनों पेशेंट को देखेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी दोनों के बारे में। आइए देखते हैं। दाहिने आंख में आपका विजन नहीं है ना? कोई आ रहा जा रहा पता चलता है? जैसे कि ये आंख में विजन मतलब बस यही जो इसका कैमरा का लाइट है ना बस वही पता चल रहा है, बस ये ट्यूबलाइट का और बस ना उंगली ये सब नहीं पता चलता। नहीं नहीं रोशनी आ रहा है इधर से आ रहा है ये पता चलता है कि लाइट इधर से ही आ रहा है? ये हैंड आपका है ना, ये हैंड नहीं दिख रहा बस लाइट दिखता है। ये जो लाइट जो दिख रहा है लाइट बस लाइट किस दिशा से आ रहा है वो दिखता है? हाँ ये दिशा से यहाँ पर से ये आ रहा है। वो भी ज्यादा देरी तक मतलब बंद या कर ले रहते हैं ना तो धीरे 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 ये भी चला जाता है। ठीक। इस पेशेंट के केस में आप देख पा रहे होंगे कि इसकी एक आंख तो नॉर्मल थी और दूसरी आंख डेवलपमेंटली एबनॉर्मल है। आप कोलोबोमा भी देख पा रहे होंगे। इस पेशेंट का हमने ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किया। आगे के वीडियो में आप देखेंगे कि हमने कैसे इसको नॉर्मल कंडीशन पे लाया। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलते हैं।